एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री 27। सो बच्चों, आज फिर मैं आपके साथ एक नई वीडियो शेयर करने वाली हूँ एक नए चैप्टर की, जिसका नाम है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। सो एनसीईआरटी सिलेबस के हिसाब से ये जो चैप्टर है ये आपका 11th नंबर पे और 10th नंबर पे आएगा। सो सिक्वेंस डजंट मैटर, द मैटर इज दैट कि आप पढ़ क्या रहे हो। ओके, सो ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन आई ट्रिक बहुत ही सेंसिटिव सेंस ऑर्गन है, वो किस तरह से वर्क करता है और कितने इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं उसके। हमने अभी इसके जो प्रीवियस वाला चैप्टर है जिसमें डिफरेंट टाइप्स के आपने लेंस एंड मिरर पढ़े, दैट मीन्स टू टाइप्स ऑफ लेंस एंड मिरर्स यू लर्न। बट यहाँ पर आपको क्या पता चलता है कि आपकी आँख ही कैसा जो प्रोजेक्शन बनाती है, इमेज फॉर्म करती है, वो किस तरह से करती है। तो सबसे पहले चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन आई जो कि एक बहुत ही सेंसिटिव सेंस ऑर्गन है, ये कैमरे की तरह से वर्क करती है। और ये जो है, जो भी आपके सराउंडिंग में जितने भी पिक्चर्स हैं, इतने डिफरेंट कलर की एट अ टाइम पे आप डिफरेंट कलर्स की पिक्चर्स को देखने के कैपेबल हो सकते हो। और ये हमेशा इन्वर्टेड और रियल इमेज जो भी लाइट सेंसिटिव सरफेसेस के अंदर है, जिसका नाम है रेटिना, उसके ऊपर फॉर्म करती है। यानी हमेशा ये बात याद रखिएगा कि हमेशा ये हमारी आँख में जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो रियल और इन्वर्टेड होता है, जो कि रेटिना पे बनता है। अब ये रेटिना क्या होता है, आप इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी इस डायग्राम में कि किस तरह से आप अपने आँख का स्ट्रक्चर यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये जो सबसे पहले ये हमारी आँख का शेप इस तरह के से होता है, और ये ऑप्टिक नर्व हैं। ओके, ये ऑप्टिक नर्व हमारे ब्रेन से जुड़ी हुई होती हैं। फिर यहाँ पर ये रेटिना जो है ना, ये पोर्शन जो दिखा रहा है, ये पोर्शन हमारा बताता है कि ये क्या कर रहा है, यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन हो रही है। अब ये जो सबसे बाहर की तरफ आपको दिख रहा हिस्सा, ये हिस्सा, ये कॉर्निया है, कॉर्निया है। और कॉर्निया के बाद हमारा आयरिस, आयरिस हमारा जो है एक तरह का लेंस है। अब मैं वन बाय वन एक एक को एक्सप्लेन करूँगी, बस आपको देखना है कि वो किस आपको पोजिशन यहाँ पर देखनी है। अब यहाँ पर आयरिस और ये जो आपका आउटर लेयर है कॉर्निया, इसके बीच में जो खाली जगह है ना, उसके उसके पर यहाँ पे आपकी पीपल पाई जाती है, और इन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है वहाँ पे एक ह्यूमर, एक म्यूकस भरा हुआ होता है, जिसको हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। और ये हमारा क्रिस्टलाइन लेंस है, और ये सिलियरी मसल्स हैं, ये बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं हमारे आँख के लेंस को छोटा बड़ा करने में, सिलियरी मसल्स। ओके, तो हम वन बाय वन इसकी सारी चीज़ों को पढ़ेंगे कि जो ह्यूमन आई है उसके स्ट्रक्चर और उसके सारे पार्ट्स किस तरह से वर्क करते हैं और वो कैसे इंपॉर्टेंट है इमेज फॉर्मेशन में। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले कॉर्निया है, ये एक थिन मेम्ब्रेन होती है जिसके लाइट एंटर करती है हमारी आँख के अंदर, और ये एक ट्रांसपेरेंस बल्ज फ्रंट आई बॉल होती है जो हमारी वो फॉर्म करती है, और मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन जो है वो यहीं पर होता है, आउटर सरफेस ऑफ कॉर्निया पर। नेक्स्ट हमारी आती है आई बॉल। तो ये जो आई बॉल है ये अप्रॉक्सीमेटली स्फेरिकल होती है शेप में, जिसका डायमीटर 2.3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारा आयरिस, ये एक डार्क मस्कुलर डायफ्राम होता है जो कंट्रोल करता है साइज ऑफ पीपल को, और ये हमेशा कहाँ पाया जाता है, कॉर्निया के पीछे। फिर चौथा हमारा पीपल, पीपल क्या है, ये कंट्रोल करती है अमाउंट ऑफ लाइट आपकी आँख के अंदर कितना आएगा। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा तेज़ आपको रोशनी मिलती है तो ऑटोमेटिकली आपकी आँख जो होती है बंद हो जाती है। तो ये सारे सिस्टम जो हैं डिज़ाइंड हैं हमारे, और ये इस तरह से डिज़ाइंड हैं जो कि हमको पूरा एक मतलब कंप्लीट प्रोसेस में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमारा क्रिस्टलाइन आई लेंस होता है जो प्रोवाइड करता है फोकस, प्रोवाइड द फोकस्ड रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना, यानी कि ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनाता है वो रियल और इन्वर्टेड, यही काम करता है हमारा लेंस जो रेटिना पे फॉर्म होती है। और ये फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल का बना हुआ होता है, ये बेसिकली जो हमारे आँख के अंदर लेंस पाया जाता है बच्चों वो कॉन्वेक्स लेंस होता है, जिसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, और ये लाइट को कन्वर्ज करता है रेटिना पर। फिर उसके बाद सिलियरी मसल्स के बारे में मैंने बताया था, सिलियरी मसल्स जो हैं वो कर्वेचर जो है उसको लेंस के जो आई लेंस के कर्वेचर को क्या करती हैं, चेंज करती हैं, श्रिंक करती हैं और एक्सपेंड करती हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नीड। ओके, फिर उसके बाद आता है रेटिना, दिस ये एक बहुत ही थिन मेम्ब्रेन होती है
विद ए लार्ज नंबर ऑफ सेंसिटिव सेल्स, ओके, सेंसिटिव सेल्स के साथ। जब भी कोई इमेज रेटिना पे फॉर्म होती है तो ये जो लाइट सेंसिटिव सेल्स होती हैं एक्टिवेट हो जाती हैं और एक तरह का इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करती हैं, और ये जो सिग्नल होता है वो हमारे ब्रेन को जाता है जो कि ऑप्टिक नर्व से जुड़ा हुआ होता है, यानी कि ऑप्टिक नर्व हमारा एक तरह का पाथ है जो उस मैसेज को ब्रेन तक लेके जाता है। फिर ब्रेन एनालाइज करता है कि जो सिग्नल आ रहे हैं वो किस ऑब्जेक्ट के हैं, फिर वो ब्रेन हमें बताता है जो चीज़ हमें दिख रही है वो एक्चुअल में है क्या। ये इतना ज़्यादा स्पीड से काम होता है कि हम आप सोच भी नहीं सकते। ओके, नाउ अब नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है? किसी भी जो आपकी आई है उसके अंदर एबिलिटी होती है लेंस को एडजस्ट करने की। जब वो अपनी लेंस किस चीज़ को एडजस्ट करता है, लेंस अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है। तो हर लेंस की अपनी कैपेसिटी पावर होती है, उसको हम बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। ओके, और ये होता किससे है? सिलेरी मसल से, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। तो सिलेरी मसल बच्चों दो तरह की चीज़ों में मतलब आप यहाँ पे इसको डिवाइड कर सकते हैं, रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट। जब सिलेरी मसल्स रिलैक्स होती हैं तो आई बॉल थिन हो जाती है। ऑब्वियसली जब कोई चीज़ रिलैक्स होगी तो वो फैल जाएगी, जब कोई चीज़ फैलेगी तो वो पतली हो जाएगी और इसकी फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है और हम दूर की चीज़ों को देख सकते हैं क्लियरली। यानी कि जब हमें दूर की चीज़ों को देखना होता है तब हमारी सिलेरी मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं और वो हमारे आई लेंस को थिन कर देती हैं। और उसके बाद फिर हमारा क्या नेक्स्ट है? कॉन्ट्रैक्ट। जब सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं तो वो क्या करती हैं? लेंस को थिक बना देती हैं, फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाती है। और ये कब होता है? जब हमें पास की चीज़ देखनी होती है। अब हमारी आँख में दो चीज़ें होती हैं, नियर पॉइंट ऑफ द आई और फार पॉइंट ऑफ द आई। इट्स फार नॉट फार, ये रॉन्ग रिटन है जो भी मुझे नोट्स के लिए ये बुक मिली NCERT की, तो डोंट माइंड इट। ओके, इट्स फार पॉइंट ऑफ आई। तो नियर पॉइंट ऑफ आई क्या है? नियर पॉइंट ऑफ आई एक रेंज है 25 सेंटीमीटर की, जो कि एक नॉर्मल आई के लिए होती है। ये एक मिनिमम डिस्टेंस है जिससे हम कोई भी चीज़ ईजिली विदाउट किसी स्ट्रेन के आराम से क्लियर देख सकते हैं। अगर कोई चीज़ बहुत पास रख दी जाए आँख के तो हम उसे देखने के कैपेबल नहीं होते। और फार पॉइंट इन्फिनिटी होता है नॉर्मल आई के लिए, जो ये वो फारेस्ट पॉइंट है जहाँ तक आँख देख सकती है। तो ये आपकी आँख की कैपेसिटी के हिसाब से, अगर आपकी बहुत से लोगों की, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं बाइबर जिनकी आँख बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, अच्छे से वर्क करी होती है, तो उनका ये जो फार पॉइंट है हमसे कहीं ज़्यादा होता है। मतलब उनके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि वो काफ़ी दूर तक देख सकते हैं। तो नॉर्मल आई के लिए ये इन्फिनिटी होती है। तो बच्चों आज हमने ये जो पढ़ा है, ये हमने पढ़ा है ह्यूमन आई के बारे में। तो ये चैप्टर कंटिन्यूड रहेगा, नेक्स्ट वीक जो है आपको इसके आगे का मैं डिस्क्रिप्शन दूंगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए इस चीज़ को पढ़िए, डायग्राम की प्रैक्टिस करिए, और नेक्स्ट चैप्टर जो होने वाला है, यानी कि जो नेक्स्ट चैप्टर दैट मींस नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस होने वाला है इस चैप्टर का, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो है डिफेक्ट्स इन आई, और ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए इंट्रोडक्शन ऑफ आई और उसके सारे पार्ट्स और क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी क्या वर्क है, वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। होप सो ये वीडियो हेल्पफुल रही हो आपके लिए। आप इसको शेयर करिए, लाइक करिए। कोई डाउट, कोई चीज़ जो समझ में नहीं आई, यू कैन जस्ट राइट इन कॉमेंट बॉक्स। आई विल डेफिनेटली रीच आउट टू एवरी सिंगल स्टूडेंट हु रिएक्ट, मैंने दिया भी है। टिल देन, टेक केयर, बाय, सी यू नेक्स्ट।